दोस्तों आप 1600 मीटर रनिंग करते हो, लेकिन कभी कभी आप रनिंग करते हो तो आपके पैर बहुत थक जाते हैं, आपके पैर भर जाते हैं। तो दोस्तों आपके पैर में स्ट्रेंथ की कमी हो जाती है, आपके पैरों में स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं होती। तो हमें स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करना चाहिए। तो हमें किस तरह से वर्कआउट करना पड़ेगा जिससे आपकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ेगी और आपका टाइम भी कम होगा। तो आज हम कुछ एक्सरसाइज देखेंगे जिससे आपकी बहुत स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपका टाइमिंग भी बहुत अच्छा आएगा। तो कैसे एक्सरसाइज करते हैं अच्छे से देख लो, अच्छे से देखना किस तरह से हम एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपकी बहुत स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल है, आपकी जो क्वाड्रिसेप है, उसमें बहुत स्ट्रेंथ बढ़ेगी और जिससे आपका टाइमिंग बहुत अच्छा आएगा और आपकी पैर भी नहीं थक जाएंगे। तो पहला एक्सरसाइज अच्छे से देख लो किस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल हॉप करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम सिंगल लेग हॉप करेंगे और भी नॉर्मल। हमें हमारे जो नेग है उसको ऊपर नहीं उठाना, इस तरह से हमें हॉप लगाना है। इससे दोस्तों हमें 20 मीटर में करेंगे और हर एक लेग के हम दो सेट लगाएंगे। फिर उसके बाद हमें दूसरा लेग, इस तरह से दो सेट लगाने हैं, एक लेग के दो सेट। उसके बाद हम फुल लेग हॉप लगाएंगे। हमें क्या करना है, आपको लेग को उठा के आगे की तरफ डालना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग उठाना है। और ध्यान रखना है कि आपका जो नी है उसको ऊपर उठाना है, आपका जो घुटना है उसको ऊपर उठा के आगे की तरफ लेग को डालना है। ऐसे आपको एक लेग के दो सेट लगानी है। उसके बाद तीसरा एक्सरसाइज, उसके बाद हम लंजेस लगाएंगे। हमें पैर उल्टा के आगे उधर डालना है और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो नी है उसको 90 डिग्री तक रख रहे हैं और आपका जो नी और टो है एक समन में एक लाइन में रखना है। और इससे आपके लेग में बहुत स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल है, आपके जो पैर भर जाता है वो बिल्कुल नहीं भर जाएंगे और आपका टाइमिंग भी अच्छा आएगा और आप रनिंग भी अच्छा कर पाओगे। इस तरह से आपको एक दर्शन करना है जिससे आपके रन में इम्प्रूवमेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज, यहाँ पर हम ब्रॉड जंप लगाएंगे। हमें क्या करना है, दोनों हाथों का जर्क इस तरह से लेना है और ब्रॉड जंप लगानी है। इस तरह से आपको थोड़ा होल्ड रखना है आपकी बॉडी, आपका टो और घुटना है वो एक स्ट्रेट लाइन में रखना है और इस तरह से आपको होल्ड रखना है। इससे आपके लेग में बहुत स्ट्रेंथ बढ़ेगी दोस्तों, इससे आपका टाइमिंग भी अच्छा आएगा और लेग में बहुत स्ट्रेंथ बढ़ेगी।